भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। एक्ट्रेस अब सिंगिंग और एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना दमखम दिखाएंगी। मीडिया से बातचीत में अक्षरा सिंह ने कंफर्म किया है कि वो प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाएंगी और उनकी पार्टी जन सुराज का दामन थामेंगी। इस खबर ने भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। अपनी मधुर आवाज़ और बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का परचम अब राजनीति में मंच पर भी लहराता दिखाई देगा। खबरों की माने तो सोमवार दोपहर 3 बजे राजनीतिक मास्टर माइंड माने जाने वाले प्रशांत किशोर उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। यह फैसला अक्षरा सिंह ने पीके से मुलाकात के बाद ही लिया है। एक्ट्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अपना भाग्य आजमा सकती हैं। अक्षरा सोमवार दोपहर 3 बजे पटना के पाटलिपुत्र स्थित जन सुराज के प्रधान कार्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगी। अक्षरा के पिता विपिन सिंह उर्फ इंद्रजीत सिंह ने इंटरव्यू में इस खबर को कंफर्म करते हुए ये कहा कि यह पार्टी नहीं है, एक अभियान है जो देश और बिहार के लिए कुछ करने का जज्बा प्रदान करता है। मेरी बेटी ने इच्छा जाहिर की तो हमने भी हाँ कर दिया। अब हमारी बेटी प्रशांत किशोर के अभियान में जुड़ी है तो हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह ऐसी पहली कलाकार नहीं है जिसने राजनीति की ओर रुख किया हो। हाल ही में पवन सिंह ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का हिट दिया था। उन्होंने मीडिया से इंटरव्यू में कहा था कि मैं आरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ, बस इंतज़ार है मौका मिलने का। मैं राजनीति में आने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उन्होंने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी की थी। अक्षरा ने अपने करियर की शुरुआत रवि किशन के साथ 2010 में एक्शन ड्रामा फिल्म सत्यमेव जयते से की थी। इसके बाद उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्या, तबादला, माँ तुझे सलाम जैसी कई फिल्मों में काम किया। अक्षरा ने कई सुपरहिट गाने भी गाए हैं। वो इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने सोलो हिट्स दिए हैं।